हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, राजस्थान स्टेट में वेटनरी कोर्स BVSC एंड AH में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये इंट्रेंस टेस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर द्वारा राजस्थान के गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। इन कॉलेज की 15% सीट के लिए एडमिशन VCI द्वारा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाकर नीट स्कोर पर दिया जाता है, जिस पर ऑल इंडिया कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 85% सीट के लिए राजस्थान अलग से इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसे RPVT यानी राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट कहा जाता है, जिसके लिए सिर्फ राजस्थान के रहने वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। यह है कोर्स भी MBBS की तरह 4.5 साल का है और 1 साल की इंटर्नशिप है इसमें। यह कोर्स कंप्लीट करने के बाद वेटनरी डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक की डिग्री मिलती है। तो आइए लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम आपको rajuvas.org की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। तो जैसे ही आप इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसमें RPVT 2020 लिखा है। यहाँ पर RPVT 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है। अगर आपको एप्लीकेशन फिल करनी है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद में इसमें नीचे नोटिफिकेशन दिया गया है, इंफॉर्मेशन बुकलेट दिया गया है। इसके बाद में इसमें कोर्स सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो RPVT के लिए दिया गया है। इसमें लिखा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज द्वारा एफिलिएटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन हेतु RPVT 2020 के इंट्रेंस एग्जाम के लिए राजस्थान के रहने वाले कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद में इसमें एडमिशन प्रोसीजर लिखा है कि आपको www.rajuvas.org पर विजिट करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, इसको आपने कम्प्लीटली फिल करना है। इसके बाद में फाइनली सबमिट करना है। आपको यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। इसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप इंफॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कर लें, उसको अच्छी तरह से रीड कर लें। इसमें यूजर मैनुअल भी दिया गया है कि किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये सब वेबसाइट पर 13 मई 2020 से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहां से डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आगे एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि RPVT 2020 एग्जाम के लिए मिनिमम एज 17 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। ये डेट की जो कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है। इसमें 5 साल की छूट है SC ST ST STA OBC और MBC कैंडिडेट को। यानी कि जो कैंडिडेट SC ST ST STA OBC और MBC कैटेगरी के हैं उनकी एज 30 इयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए 31/12/2020 को, और जो जनरल और EWS कैटेगरी के हैं उनकी 25 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मिनिमम एज सभी की 17 ईयर्स होनी चाहिए 31/12/2020 को। इसमें आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 मई 2020 है और लास्ट डेट 5 जून 2020 है। इसके बाद में इसमें लेट फीस से भी आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, वो 6 जून से लेकर 11 जून 2020 तक है। बिना विदाउट लेट फीस के जो फीस होगी इसमें 2600 रुपये होगी, यानी कि 2600 रुपये सभी कैटेगरी के लिए होगी। इसके बाद में जो लेट फीस होगी वो 5200 रुपये 5200 रुपये सभी कैटेगरी के लिए होगी, अगर आप लेट फीस के टाइम पीरियड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो। एग्जामिनेशन फीस आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें
इसके बाद में इंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो 9 अगस्त 2020 संडे को है, 10 बजे से 1 बजे के बीच एग्जाम होगी। और इसमें एग्जाम सेंटर दो ही हैं, एक बीकानेर है और जयपुर है, यानी कि जयपुर सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है अगर आप जयपुर फिल करेंगे तो, अदरवाइज बीकानेर सिटी में, यानी दो ही सिटी दिए गए हैं, जयपुर और बीकानेर। इसके बाद में एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए 10+2 या फिर सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में, इसके साथ में इंग्लिश में भी पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको इन चार सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और फिर इंग्लिश में 50% मार्क्स एग्रीगेट लाना जरूरी है। एग्रीगेट का मतलब सभी चारों सब्जेक्ट का टोटल 50% होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, एसटी एसटीए, ओबीसी और एमबीसी, इन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इन चारों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में 47.5% मार्क्स कंपलसरी हैं। इनका इन चारों सब्जेक्ट का टोटल 47.5% लाना जरूरी है, वही कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं। इसमें जो 2020 में कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं वो भी इस एग्जाम के लिए इलिजिबल हैं, लेकिन काउंसलिंग तक उनको पास होना और फिर ये जो परसेंटेज की कंडीशन है ये क्लियर करना जरूरी है, तभी वो कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं। तो आइए अभी देखते हैं इसके इंफॉर्मेशन बुकलेट के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप मेल भेज सकते हैं। ये 12 जून से लेके 14 जून 2020 तक आप मेल भेज सकते हैं। इसके बाद में एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे 1 जुलाई 2020 के बाद में। इसके बाद एग्जाम सिटी बीकानेर और जयपुर होगा। इसके बाद में आप एग्जाम देने के बाद में क्वेश्चन पेपर में अगर कोई शिकायत है तो 10 अगस्त से आप ये मेल भेज सकते हैं, अपने जो कंप्लेन है उसका मेल भेज सकते हैं। इसके बाद आंसर की वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगी 17 अगस्त को। इसके बाद में अगर आंसर की में कोई आप को शिकायत है तो 17 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक आप भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। इसके बाद ओएमआरसी डिस्प्ले वेबसाइट पर हो जाएगी 28 अगस्त 2020 को और रिजल्ट 4 सितंबर 2020 को आ जाएगा। इसमें फोटो को लेकर क्लियर किया गया है कि व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए, 1/1/2020 के बाद की खिंचवाई हुई फोटो होनी चाहिए, फोटो पर नाम और फोटो की खींची हुई तारीख यहाँ होनी चाहिए इसमें। इसके बाद में जो एग्जाम पैटर्न है वो नीट की तरह ही है, टोटल इसमें 180 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बायो में बोटनी और जूलॉजी के 90 क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके बाद में जो लैंग्वेज है क्वेश्चन पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसके बाद में स्कोरिंग और मार्किंग की बात करें तो आपके करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर का 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है इस। अब हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार की वेटनरी कॉलेज हैं। तो हम गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज की बात करें तो यहाँ 4 वेटनरी कॉलेज हैं गवर्नमेंट की, उसमें बीकानेर, नवनिया, उदयपुर और जयपुर हैं। इन चारों कॉलेज में 80 सीट हैं, प्रत्येक कॉलेज में 80 सीट हैं। इन 80 सीट में दो प्रकार की सीटें हैं, एक है रेगुलर सीट और दूसरी है पेमेंट सीट। इन गवर्नमेंट कॉलेज की रेगुलर सीट के लिए जो फीस है वो 15,740 रुपये है, पेमेंट सीट के लिए 2 लाख रुपये है। तो इसमें जो 80 सीटें हैं इनमें 15% कोटा भी है, जिसके लिए 12 सीट हैं और उसकी काउंसलिंग VCI करवाता है। तो ये तो होगी गवर्नमेंट सीट की बात। प्राइवेट सीट की बात करें हम, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें प्राइवेट सीट की बात करें तो उनमें भी 80 सीटें हैं, उसमें 40% रेगुलर सीट हैं
स्टेट की सीट हैं और उसमें 40% मैनेजमेंट कोटा की सीट हैं। इन 80 सीट में 15% इनका भी VCI काउंसलिंग करवाता है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट सीट की वही 2 लाख रुपए फीस है और रेगुलर सीट की 15,740 रुपए है। इसके बाद जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है वो 5 लाख के नियर बाई फीस है इसमें। इसके बाद में हम बात करें फीस के बाद में बात करते हैं हम इसमें कि इसमें डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्संस का जो BSF CRPF आर्मी वगैरह हैं उनका भी 1% कोटा है इसमें, 1% सीट है इसके अंदर। इसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग के टाइम में वो इसमें दिए हुए हैं। जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप इसमें जूम करके देख सकते हैं। इसके बाद में इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें कोर सिलेबस दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस आ जाएगा। ये नीट के समकक्ष ही सिलेबस है। अब हम इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिए बात करें कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो आपने यहाँ सबसे ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। वैसे मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कि आपने कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अब इसकी फीस की एक बार बात करें, फीस मैंने बता दी है, तो फीस जो इसकी रेगुलर सीट के लिए फीस है वो रेगुलर सीट के लिए इसकी फीस 15,740 रुपये है। पेमेंट फीस इसकी 2 लाख रुपए है और प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की जो सीट की फीस है वो 5 लाख रुपए समथिंग है, वो मैंने बता दी है आपको। तो दोस्तों ये जानकारी थी RPVT के फॉर्म के बारे में कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, कितने सीटें हैं, कितनी फीस है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आपको चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।